कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में लंबे समय के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु जलार्पण किए। वहीं पर मंदिर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा गया था। संवाददाता मनीष राज ने मंदिर का जायजा लिया। आज है कार्तिक पूर्णिमा, इस मौके पर बाबा नगरी देवघर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। देखिए जरा, एक बार हम चाहेंगे कि पहले ऊपर में जो पंचशूल है उसका दर्शन हम करें, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये विहंगम दृश्य, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। ये इसी भीड़ की उम्मीद की जा रही थी बहुत दिनों से लोगों को, और देखिए पूरी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की यहाँ व्यवस्था है। ये निकास द्वार है और यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को दृष्टिगत रखते हुए जो मंदिर में भीड़ था उसके आकलन को देखते हुए हम लोग ने सुरक्षा का विधिवत हम लोग ने इंतजाम किया है। जो भी हम लोग का पोस्ट है वहाँ हम लोग ने मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट्स का विधिवत हम लोग ने डिप्लॉयमेंट किया है। भीड़ भी नियंत्रित है। समाज और व्यवसायिक समाज इस भीड़ की उम्मीद कर रही थी और आज ये भीड़ काफी संख्या में आ गई है। कुछ लोग भी आए। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो भागलपुर से आए। भागलपुर से आए हैं। बात बताइए, मास्क पहनना जरूरी है? हाँ जरूरी है, लेके आए हैं, पहन लेते हैं। सॉरी, बहुत लोग आप भी पूजा करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं। मास्क लेकिन नहीं? नहीं, मास्क है बट इतने लोग पब्लिक कितने हैं, कितनी गर्दी है, कौन मास्क यूज कर रहा है? आप मुझे बताइए। प्रशासन भी वही है, सब कुछ वही है। निश्चित तौर पर इस भीड़ की उम्मीद थी लोगों को, रोहित समाज और वैसाई समाज को, लेकिन इसके फायदे जरूर मिलेंगे देवघर की अर्थव्यवस्था को, लेकिन कहीं ना कहीं लैप्सेज इस बात को लेकर के है। इस भीड़ में लोग जो प्रोटोकॉल है उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज इंबाद के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।